साक्षी गुप्ता फास्ट न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का यह एपिसोड व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर बनाया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले एक प्राइवेसी पॉलिसी लागू की थी, जिसको मानने से बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया। तो बताते हैं क्या है इस पर हाईकोर्ट का रुख, व्हाट्सएप का आइडियल रुख। हाईकोर्ट से कहा, ग्राहकों के पास प्लेटफॉर्म छोड़ने का विकल्प मौजूद है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी नई निजता नीति का बचाव किया है। कंपनी ने दावा किया है कि उसके प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली सभी तरह की बातचीत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। कोई भी ग्राहक नई नीति मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके पास व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म छोड़ने और ऐप को मोबाइल से हटाने का विकल्प मौजूद है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस जसमीत की खंडपीठ के समक्ष व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर 17 मई को सुनवाई होनी है। इससे पहले व्हाट्सएप ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है। कंपनी ने कहा कि वह अपने ग्राहकों से पूछकर ही उनके डाटा का उपयोग करेगी, जबकि कई ऐप ग्राहकों को जानकारी दिए बिना ही उनके डाटा का व्यावसायिक उपयोग कर रही है। अपनी नीति का बचाव करते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि उसकी नीति किसी व्यक्ति के निजी मामलों पर असर नहीं डालेगी। उनके यूजर्स की सभी बातें, चाहे वो व्यावसायिक हो या दोस्त या परिवार से बातचीत हो, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। किसी भी यूजर्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। व्हाट्सएप ने अपने जवाब में कहा कि वह अपनी नई नीति मानने के लिए किसी ग्राहक पर दबाव नहीं बना रहा। ग्राहकों को नई नीति स्वीकार करने या नहीं करने की छूट है। हालांकि कंपनी अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि वह कानूनी रूप से किसी भी ग्राहक को अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य नहीं है। ग्राहक चाहे तो उसका प्लेटफॉर्म छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप की नई नीति पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्र का कहना है कि डाटा को सुरक्षित रखने के लिए उसके बनाए गए नियम एवं कानून से व्हाट्सएप की नई नीति मेल नहीं खाती। उसकी नई नीति लगभग 5 मुद्दों पर अलग है। व्हाट्सएप ने अपनी नई निजता नीति के खिलाफ भारतीय अदालतों और सरकारी एजेंसियों का रुख देखकर नया पैतरा खेला है। कंपनी की तरफ से नीति स्वीकारने के तय की गई 15 मई की डेडलाइन शनिवार को खत्म हो गई, लेकिन व्हाट्सएप अब अपने करीब 53 करोड़ यूजर्स के अकाउंट्स सीधे बंद करने के बजाय उन पर नए तरीके से दबाव बनाएगा। इसके लिए नीति नहीं स्वीकार करने वाले यूजर्स की सेवाएं इस तरह से बंद की जाएगी, आखिर में उनका अकाउंट खुद ही डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप ने पहले 8 फरवरी और फिर 15 मई की डेडलाइन देकर कहा था कि जो लोग उसकी नई निजता नीति को स्वीकार नहीं करते हैं उनके अकाउंट इसके बाद डिलीट कर दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा करने के बजाय व्हाट्सएप ऐसे यूजर्स की सेवाएं बंद करेगा। जब व्हाट्सएप से फोन कॉल व मैसेज नहीं भेजे जाएंगे तो यूजर्स उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में व्हाट्सएप की 120 दिन की उपयोग होने बंद होने पर अकाउंट को खुद ही डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि इस बीच यूजर्स अपने फोन में व्हाट्सएप अकाउंट का डाटा अपलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही खास जानकारी के साथ।